गुड मॉर्निंग ऑल, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा स्लीपी सा फील कर रहा हूँ बिकॉज अपनी नाइट शिफ्ट ओवर करके आया हूँ अभी, और आज दिन भर भी बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले तो अपनी गाय के लिए सेटअप करना है, देन घर के कुछ बाकी काम है, एंड शाम को इवनिंग वॉक पे भी जाना है। तो ये सारा दिन भर का आज प्लान है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं फिर। गाय का पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया है अभी। आज दिन का ये मेरा पहला काम था, अब नेक्स्ट है घर की थोड़ी सी सफाई। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने बगीचे में। एक्चुअली मैं अपना कैमरा सेट करने वाला जो जुगाड़ लगा रखा है वो यहीं भूल गया था, तो मैं अपने खेत जा रहा हूँ उसे लेने के लिए। सो मिलते हैं आगे वीडियो में। ठीक ठाक बढ़िया है। मिलते हैं बाद में। झाड़ू दूंगे तो लेट्स गो फॉर इवनिंग वॉक। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ मिर्च और बैंगन की जो खेती करी हुई है। सो उतरते हैं नीचे अभी। हालांकि सामने मैं आपको गांव दिखाता हूँ इसको जूम करके। ये जो गांव है, इस गांव में हमारा जो है बचपन बीता हुआ है। ये जो साइड में घर है, मैं मार्क कर दूंगा इसे। सो हम पहले यहाँ रहते थे। हालांकि अभी मैं पूछ भी रहा था घर वालों से कि मुझे जाना है वहाँ पे भी, तो वो कहते हैं कि अभी ये जो घर है पूरी तरह से टूट गया है, इसमें अगर ऊपर चढ़ेगा तो ये गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इस वजह से अभी देखते हैं, अगर प्लान बनता है तो बाहर से देखेंगे इसे भी। बाकी जो ये वाला जो घर है इसमें कभी हम रहे नहीं है, तो अभी मम्मी आए हैं। गाय की वजह से जो घास वगैरह की जो दिक्कत आती है, तो उस वजह से मम्मी ने गाय यहाँ पे रखी हुई है। सो जो मेन घर है हमारा वो यहाँ से थोड़ा दूर है, जैसे 30 मिनट का मुझे टाइम लगा था कल भी, तो 30 मिनट लगते हैं पूरे। सो अभी हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए जंगल की ओर। रात को तो बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि भालू या शेर वगैरह का जो डर लगता है। ये चारों तरफ चील का जंगल है। आई गेस हिंदी में भी चील ही बोलते हैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी मैं कोई अच्छा सा प्लेस देखता हूँ अपने लिए बैठने के लिए। हालांकि यहाँ पे नीचे खाली सी जगह, मैं वहीं सोच रहा हूँ जाने की। चलते हैं नीचे। और मुझे यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल जैसे शांत सी जगह है, बिल्कुल अकेले में है ये। तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बीच बीच में आते हैं हम लोगों से मिलने। और मेरी नाइट शिफ्ट होने की वजह से मुझे तो कोई मिला नहीं अभी तक यहाँ पे, बट हाँ ठीक है, लोग मिल ही जाते हैं बीच बीच में। तो अभी फाइनली मैं पहुँच गया हूँ उस प्लेस पे। सो ये थोड़ा सा खाली प्लेस है, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे बैठूंगा और थोड़ी देर यू नो इवनिंग टाइम पे यहाँ पे बैठने का मज़ा ही कुछ और है। सो
आई होप गाइज आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे वीडियोज़ को, बिकॉज मैं व्लॉगिंग में भी बहुत नया हूँ, मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से बना पाऊँ, बिकॉज वीडियो फोटोग्राफी का तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अभी, बट वीडियोग्राफी उतना ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ, ना मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट एंड देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने हिसाब से बस निकल पड़ता हूँ घर से। हालांकि ये कोई ट्रिप तो नहीं है, ऑब्वियसली मेरा खुद का घर है जहाँ पे मैं काफ़ी सालों बाद आया हूँ, मेरा जो बचपन है ज़्यादा करसोग में ही बीता हुआ है, और अभी जो मैं आया हूँ तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक मंथ की जो मेरी जो पूरा जो वर्क फ्रॉम होम है मैं यहीं पर ही निकालूँ और प्रॉपरली इन्जॉय करूँ, क्योंकि पीसफुल जगह में रहते ही ना तो आपका जो माइंड है वो भी आपका एकदम शांत हो जाता है, आप यू नो बॉस की चिक चिक या ऑफिस शोर शराब यू नो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो ये मेन पर्पज़ है मेरा, और जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो मैं यू नो कर ही लेता हूँ, तो मैं यहाँ आया मुझे ये चीज़ पसंद आई तो मैं कुछ मंथ यहीं पर रुकूँगा एंड उसके बाद वही वापस जाऊँगा अपनी चंडीगढ़ वाली लाइफ, वही सारा सिस्टम यू नो गाड़ियों की चहल पहल एंड फैसिलिटी, मैं मानता हूँ शहर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है बट यू नो सुकून आपको गांव में पहाड़ों में ही मिलेगा, इट्स अ ट्रू थिंग। हाँ फैसिलिटी के मामले में आप कहीं भी चले जाओ शहर में फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट मुझे दोनों लाइफ पसंद है, मैं यहाँ पे भी इंजॉय कर रहा हूँ मैं वहाँ पे भी इंजॉय करता हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पीसफुल ज़्यादा लगता है इसीलिए मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ माउंटेन वाली जो लाइफ होती है, क्योंकि मैं सर्वाइव हर जगह कर लेता हूँ, जैसे कि मम्मी पहले बोल रहे थे कि तुझे वहाँ पे ठीक नहीं लगेगा तो आ जाना एक दिन के लिए, बट जब मैं यहाँ आया मैंने पुरानी चीज़ें देखी और यू नो एक्सपीरियंस किया चीज़ों को, सो मुझे लगा कि नहीं यहाँ रुकना चाहिए काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक, सो ये सारा उसके बाद ही तामझाम हुआ है। सो यही कुछ बातें जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, सो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करूँगा, जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो मैं ट्राई करूँगा कि कुछ नया हो, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली यही लाइफ है सुबह से शाम तक काम काम काम, या अगर मेरा रात को काम हुआ तो मैं दिन को सोया रहूँगा। अभी टाइम आ गया है वीडियो को यहीं पे एंड करने का, बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है और अंधेरा भी होने वाला है, तो कोई पर्पस नहीं रहेगा वीडियो बनाने का, सो अभी चलते हैं। एंड अभी मैं वीडियो अपनी चेक कर रहा था तो साउंड का जो साउंड की जो क्लियरिटी है उतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है ये, तो मुझे माइक ऑर्डर करना पड़ेगा, आफ्टर दैट जो साउंड क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, हालांकि वीडियो के लिए कैमरा काफ़ी अच्छा है। सो बाय बाय गाइज, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस लाइफ।